कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे इस मैच की 6 ग्रैंड लीग की टीमों के बारे में। कैसे आप इस मैच की 6 ग्रैंड लीग की बेहतर से बेहतर फैंटेसी टीम बना सकते हैं, जिससे कम से कम आपकी एक टीम टॉप 10 में या रैंक 1 पे जाए और आपको अच्छा खासा पैसा विन करके ला के दे। दोस्तों आपको क्या करना है, पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखनी है, एक भी सेकेंड वीडियो को मिस नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा, जी हाँ दोस्तों, कौन सा प्लेयर कब फ्लॉप होगा, जी हाँ दोस्तों, कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है तब आपको किस प्लेयर्स को ड्रॉप करना है, कौन सी टीम बाद में बैटिंग करती है तब आपको किन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात होगी। साथ ही साथ आपको पता है जो मैं 6 ग्रैंड लीग की टीमें यहाँ पर बना के लाता हूँ, सारी टीमें क्या होती हैं, लॉजिकल टीमें होती हैं, एक लॉजिक पर आधारित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मेरी टीमें वर्क करती हैं, कोई टीम तुक्के पे नहीं होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखनी है, आपको सारी की सारी टीमें बताऊंगा और इसके आधार पे आपको अपने कॉम्बिनेशन बनाने, जिससे कि आपका एक कॉम्बिनेशन, कम से कम एक कॉम्बिनेशन रैंक करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग या फिर मेगा ग्रैंड लीग भी विन करा सकता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ मैं 200 लाइक रखा हूँ, तो उम्मीद है सभी लोग 200 से ज़्यादा लाइक कर देंगे, ठीक है। और बाकी दोस्तों, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लगातार इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो सभी लोग क्या करो, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लो, ये चैनल आगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। चलते हैं, सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, उसके बाद डायरेक्ट हम आएंगे ग्रैंड लीग की टीम्स देखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखेंगे, साथ ही साथ ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे रोटेट करने हैं, कैसे टीमें बनानी, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की प्रोबेबली प्लेइंग 11 को लेके, जो कि आपको एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिख जाएगी। यहाँ से ब्रेंडन किंग और काइल मायर्स आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, 3 नंबर पे जॉनसन चार्ल्स, उसका निकोलस पूरन, रोमन पॉवेल, रोमारियो शिफर्ड, ओडियन स्मिथ, जैसन होल्डर, रे रिफर, एकिल हुसैन और शेल्डन कॉटरेल, ये प्लेइंग 11 हो सकती है। इस प्लेइंग 11 में हो सकता है अल्जारी जोसेफ आ जाएँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ प्लेयर्स हैं जैसे आ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगे। कोई भी चेंज होता है, मुझे अपडेट मिलती है तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। अकील हुसैन और शेल्डन कॉटरेल आपको शुरुआत में बॉलिंग करते दिख जाएंगे पावर प्ले में, डेथ ओवर्स में आपको रोमारियो शिफर्ट के साथ जेसन होल्डर दिख सकते हैं, साथ ही साथ ओडियन स्मिथ भी डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर लेते हैं और ओडियन स्मिथ बैटिंग कर लेते हैं, साथ ही साथ उनके पास दोस्तों कहीं ना कहीं स्पीड है, गति है, तो डेथ ओवर्स में अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी ये शुरुआती बॉलर्स और ये डेथ बॉलर्स हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका की प्रोबेबली प्लेइंग 11 को लेकर। साउथ अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 है उसमें यहाँ पे क्वेंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करते दिखेंगे। लास्ट मैच में आपने देखा कि इन दोनों प्लेयर्स ने कितनी बड़ी साझेदारी की, ठीक है। 3 नंबर पे राइली रूसो, 4 नंबर पे आयदन माक्रम, डेविड मिलर, उसका धार्निज क्लासेन, बैन पार्नेल, मार्को यानसन, कैगिसो रवादा, तब्रे शमसी, सीजांजा मागाला, ये प्लेइंग 11 हो सकती है साउथ अफ्रीका की तरफ से। अगर यहाँ पे भी कोई चेंज होता है, अपडेट मिलती है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाकर फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। वैन पर्नेल और आयदन माक्रम आपको शुरुआत में पावर प्ले में बॉलिंग करते दिख सकते हैं, जिसमें आयदन माक्रम का चांस इसलिए क्योंकि सामने जो खेल रहे हैं काइल मायर्स, वो लेफ्ट हैंड बैट्स करते हैं और ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, तो ये उनके सामने अच्छा कर सकते हैं, तो आयदन माक्रम को शुरुआत में ओवर्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। कैगिसो रवादा और मंगला, ये आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक नाम नहीं रखा, मार्को यानसन, जो कि शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करते हैं, जहाँ से उनकी बॉल भी स्विंग होती है, तो उनको भी शुरुआत में ओवर्स दिए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ग्रैंड लीग के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ रोटेशंस में रखा हूँ, जिसमें सबसे पहले आयदन माक्रम का नाम है, निकोलस पूरन का नाम है, तब्रे शमसी, अकील हुसैन, निकोलस पूरन दो वाले का, काइल मायर्स और यहाँ पे राइली रूसो, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन आप इन प्लेयर्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है ये चीज़ पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं शेयर करता। आपको पता है जो वुमेंस प्रीमियर लीग चल रही थी, जितने मैच में यहाँ पर मैं बताया था, लगभग
लगभग दोस्तों दो या तीन मैच में ये जो कैप्टन वाइस कैप्टन फ्लॉप हुए, बाकी हर एक मैच में इन्हीं प्लेयर्स में से कैप्टन वाइस कैप्टन हुए ग्रैंड लीग के। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, जो लोग लगातार चैनल देख रहे हैं वो लोग जानते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप एक बेस्ट फैंटेसी ऐप की तलाश में, तो जाके आप बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डाउनलोड क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहता है, जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस समय डिपॉजिट कोड चल रहा है, जी हाँ दोस्तों, MAR99। अगर ई वाला कोड यूज़ करते हैं, आप 3000 डिपॉजिट करते हैं तो आपको 99 वाला मेगा टिकट फ्री मिलेगा, ये काम आप 3 बार कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ए वाला अगर कोड यूज़ करते हैं, 300 डिपॉजिट करते हैं, तो आपको बाजीगर टिकट बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डिपॉजिट कोर्स हैं, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, यानी कि हाई इन्वेस्टर हैं, हाई इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे दोस्तों रखा गया है, जो है हाई इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हर महीने रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें आप थार जीत सकते हैं, बाइक जीत सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसका जो सबसे बेहतर फीचर है वो दोस्तों ये वाला फीचर जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये प्रेडिक्टर का जो यहाँ पे फीचर, जैसे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो तीसरा T20 मैच कौन टीम जीतेगी, हाँ या ना में आपको जवाब देना, इस तरह से पहले ओवर में कितने रन बनेंगे, हाँ या ना में जवाब देना, तो लाइव यहाँ पे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, और आसानी से आप सिर्फ अपना ओपिनियन देखें आसानी से बहुत सारा कमा सकते हैं। मैं कमा रहा हूँ इसीलिए राय देना, तो सभी लोग जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा, और इस प्रेडिक्टर वाले फीचर को एक बार जरूर यूज़ करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। चलते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट टीम्स के बारे में। तो आपको पता है टीम्स मैंने बना के रखी हुई हैं, इसी बात पे दोस्तों जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अब तक की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सभी लोग क्या करो, लाइक कर दो। आपको पता है 200 सिर्फ लाइक एम रखा हूँ। चलते हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो पहली ग्रैंड लीग की टीम बना के रखी, यहाँ से आपको वीडियो जो है थोड़ा ध्यान से देखनी है, तभी आप समझ पाएंगे। तो पहली टीम जो मैंने बना के रखी उसको यहाँ से देख सकते हैं, ये टीम आपको तब ट्राई करनी है। आपको पता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम अगर पहले बॉलिंग करती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वेस्ट इंडीज़ की टीम को बहुत बड़ा टोटल ना बनाने दे, क्योंकि जो पहले तो मैच हुए वो हाई स्कोरिंग मैच हुए। उसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिली कि 200 कितना बड़ा स्कोर यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर ये टीम छोटा टोटल बनाती है, और ये मैच जो है थोड़ा अलग पिच पे होने जा रहा है, वो सेंचुरियन में हो रहे थे, ये जोहान्सबर्ग में होगा, तो यहाँ पे थोड़ा पिच अलग बिहेव कर सकती है, लेकिन दोस्तों स्पिनर से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा करते दिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पे स्पिनर्स अच्छा कर, तो हमने क्या किया, अगर मान लीजिए वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है, वेस्ट इंडीज़ के 3 प्लेयर लिए, मान लीजिए इन 3 प्लेयर्स ने परफॉर्म किया और वेस्ट इंडीज़ ने बहुत बड़ा टोटल नहीं बना पाया, 120-130, और विकेट्स बहुत सारे दिए यानी कि ऑल आउट हो गए, तो ये सारे बॉलर विकेट लेते दिखेंगे, हमारी टीम पहले से ही रैंक कर चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स उस स्कोर को चेंज करते हुए, हो सकता है दोनों के बीच बड़ी साझेदारी हो जाए लास्ट मैच में, जिस तरह से हुई थी, और हो सकती है दोनों अच्छे प्लेयर हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, और मैच भी साउथ अफ्रीका में हो रहा है, वहाँ पे अच्छा खेलते, तो ये कुछ कंडीशन है। इसी तरह से आप इस तरह की टीम ट्राई कर लेना एक ग्रैंड लीग के लिए, अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग बाद में बैटिंग करती, कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है। सेम टीम में आप क्या कर सकते हैं, आदम माकरम को कैप्टन, तबरेज शमसी को वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता हो ये स्पिनर्स अच्छा करते दिखें, आदम माकरम, तबरेज शमसी सबसे ज़्यादा विकेट लेते दिखें, तो ये किस तरह की टीम भी बेहतर हो सकती, ग्रैंड लीग में रैंक करने वाली हो सकती। अगली टीम में क्या किया, जो टीम पहले बॉलिंग कर रही हो तो उसका एक बेस्ट बॉलर को वाइस कैप्टन हमें बनाना होता है, अगला जो हमारी टीम का लॉजिक रहता है, तो उसमें बेस्ट बॉलर में मैं तबरेज शमसी को रखा, हो सकता हो तबरेज शमसी जो है ज़्यादा विकेट्स लेंगे। अब वाइस कैप्टन में आप एधन माकरम को भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे तबरेज शमसी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तबरेज शमसी हो सकता हो 3 या 4 विकेट लेते दुखे ये वाइस कैप्टन है, और हो सकता हो ये दोस्तों चेंज करते हुए एक बड़ी इनिंग खेल दे। तो अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो आप एक इस तरह की टीम भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे वाइस कैप्टन अगर थोड़ा सा रिस्की लग रहा है तो आप मगला, बर्नेल, मार्को एंसन, आयदन माकरम, ये आपके पास ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें तबरेज शमसी को एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। इस तरह की टीम आप बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जो टीम पहले बॉलिंग कर रही उसके बेस्ट बॉलर को वाइस कैप्टन, और उसी टीम के जो ओपनर है जो बाद में बैटिंग कर रही उसके को कैप्टन, ये टीम बना सकते हैं। अगली टीम मैं इस तरह से बनाया हूँ, जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैंने क्या किया, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसका कोई एक प्लेयर बड़ी इनिंग खेल जाता है कई बार, जैसे जॉनसन चार्ल्स ने खेली, ठीक है, तो यहाँ पे काइल मायर्स वो काम कर सकते हैं। अब काइल मायर्स अगर बड़ी इनिंग खेलते हैं 70, 80, 90 या 100 प्लस की, तो ये हमारे कैप्टन है। उसके बाद अकील हुसैन भी आके कुछ ना कुछ स्कोर करते हैं और 3 या 4 विकेट्स लपेट लेते हैं, ठीक है, तो एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा। अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है तो आप ट्राई कर लेना, बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, रैंक करने वाली टीम हो सकती है, रैंक करने वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है,
ठीक है। तो ग्रैंड लीग के लिए ये टीम नंबर जो तीन टीमें हमने जो यहाँ पे बताई हैं, ये टीमें तब ट्राई करनी जब वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करनी है करती है, और इन्हीं तीन टीमों को आपको छः टीमों में खुद से कन्वर्ट कर लेना है, एक दो चेंजेस खुद से करके और खुद का लॉजिक लगा के जैसे मैं बता दिया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगली टीमें जो स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पर दोस्तों क्या है, वेस्ट इंडीज़ बाद में बैटिंग करे। अब मान लीजिए साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो ख़राब नहीं खेलती, T20 मैच ख़राब नहीं खेलते, आपको पता है। साउथ अफ्रीका ने मान लीजिए पहले बैटिंग करी और साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा टोटल नहीं बना पाए यहाँ पे खेल के, और वहाँ पे हो सकता हो जब अच्छा स्कोर नहीं बना तो ऑल आउट भी हो गए। अब अगर ऑल आउट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे जितने वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स हैं ये विकेट्स लेते दिए, और इस तरह की टीम बहुत कम लोग ट्राई करने वाले जिसमें साउथ अफ्रीका को कोई बॉलर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की टीम, और उसके बाद हो सकता है काइल मायर्स और ब्रेंडन किंग के बीच बड़ी साझेदारी हो, क्यों पॉसिबल नहीं होता है, लगातार मैचेस में होता है और हम ग्रैंड लीग विन करते हैं। जब भी कोई टीम 10 विकेट से मैच जीतती तो हमारी ग्रैंड लीग आती है, आपको जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है। ठीक है, तो इस तरह की टीम वेस्ट इंडीज़ अगर बाद में बैटिंग करे तब भी ट्राई कर लेना, ठीक है, तब भी बेस्ट हो सकती है। बाकी आप एक बेस्ट बॉलर के साथ उसी टीम के ओपनर वाला ये वाला कॉम्बिनेशन, मैं बेस्ट बॉलर में अकील हुसैन को रख रहा हूँ, मुझे लग रहा है अकील हुसैन अच्छे खासे विकेट्स लेते दिख सकते हैं, बेस्ट प्लेयर में हो सकते हैं, बॉलिंग में सबसे ज़्यादा विकेट अकील हुसैन, तबरेज़ शम्सी को भी एक टीम में ट्राई करना, क्योंकि ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो दोनों तरफ से अगर स्पिन को हेल्प मिलती है तो अच्छा करते दिख सकते हैं। तीसरे एदन मार्करम जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ये टीम आपको तब ट्राई करनी जब वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग बाद में बैटिंग करती है, तब कॉम्बिनेशन ये वेस्ट हो सकता है, ठीक है, बेहतर हो सकता है। अगली टीम जो मैंने बना के रखी हुई वो दोस्तों एदन मार्करम और तबरेज़ शम्सी, अगर पहले बैटिंग करती है साउथ अफ्रीका तो एदन मार्करम एक अच्छी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। ठीक है, एदन मार्करम एक अच्छी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, रैली रोसो अच्छा करते हैं, राजा रिजा हैंड्रिक्स अच्छा करते हैं, ये सारे प्लेयर्स अच्छा करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो विकेट्स गिरते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा विकेट्स ही नहीं देती है, एक दो या तीन विकेट देती है साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके, तो हो सकता है वो विकेट जेसन होल्डर के साथ जाएँ, रोमारियो शिफर्ट के साथ जाएँ, रॉमन पॉवेल या काइल मायर्स, मतलब सारे बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे काइल मायर्स पहला ओवर लेके आते, तो उसके बाद दोस्तों हो सकता है ये टीम जब चेंज करने के लिए आए तब तबरेज़ शम्सी अच्छे विकेट्स ले लें, एदन मार्करम भी अच्छे विकेट्स ले लें। ठीक है, तबरेज़ शम्सी विकेट ले लें, एदन मार्करम विकेट्स ले लें, तो इस तरह की कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, रैंक करने वाली हो सकती हैं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, ये टीम तब ट्राई करनी है छः नंबर जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है। अब इन्हीं तीन टीमों को छः टीमों में कन्वर्ट करना अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, ठीक है, और ये वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है, तो इन तीन टीमों को छः टीमों में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आप ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी दोस्तों यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ग्रैंड लीग के, ये सारे लॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, बाकी आपको कॉपी पेस्ट पे नहीं जाना, टीम आपको खुद से बनानी है अपनी ग्रैंड लीग की। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरी जो फाइनल ग्रैंड लीग की टीम्स होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग और जो मेरी बल्लेबाजी की भी टीम होगी स्मॉल लीग की स्पेशली 3 मेंबर 4 मेंबर वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो बल्लेबाजी को जिसने डाउनलोड नहीं किया, ठीक है, सभी लोग जाओ बल्लेबाजी ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो, ये वाला जो प्रेडिक्टर वाला फीचर है इसको एक बार जरूर यूज करना, बहुत आपको मजा आएगा। बाकी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर ले, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।